ये लगभग 100 साल पूर्व से लगता आ रहा है, लेकिन इसका जो विधि व्यवस्था हम लोग दिए जनता हैं। की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग यहाँ पारसनाथ में हम हैं, और पारसनाथ में आप लोगों को यानी कि 14, 15, 16 ये 3 दिवसीय मेला है। इस मेला का पूरा आप लोगों को दृश्य दिखाने वाला है, और आप लोग अगर इस मेले से वाकिफ़ हैं तो इसमें ज़रूर आइए। और अगर आप तो वाकिफ़ हो ही गए हैं हमारे वीडियो को, अगर अभी पूरा आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसमें उम्मीद है कि हर साल लाखों की भीड़ होती है। इस तरह से हमने कमेटी के प्रबंधक से बात की है, और उम्मीद करें कि इस बार शायद उन्होंने बताया कि कई साल लॉकडाउन से प्रभावित था, तो इस बार लाखों की संख्या को पार कर देगा। इस प्रकार का होगा पूरा जोर शोर से रहता है, जोर से पूरा काफ़ी भीड़ में संख्या में रहता है, लाखों लाखों का संख्या में भीड़ रहता है। और ये मेला का खासियत बहुत अच्छा तरह से है। ये कब से हो रहा मेला? मेला ये कम से कम हमको जानकारी है 7-8 साल से। अच्छा अच्छा उसके पहले हमको जानकारी नहीं है। आप मेला में हर साल क्या करते हैं? हर साल यही कुछ छोला गुपचुप बेचते हैं। अच्छा अच्छा अभी लेके तैयारी पहले से आप हैं? हाँ, पहले से तैयार। हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इनके पास में अगर इनका वीडियो से आपको जानकारी मिला है तो ज़रूर इनके पास गोलगप्पा खाने आइएगा। तो आपका नाम बता दीजिए। मुंशी शाह चिर। कहाँ से? चिरुआ, ग्राम चिरुआ, थाना सरिया, जिला गिरिडीह। ठीक। आप देख रहे हैं इससे अब पूरा तैयारी चल रहा, और यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होने वाला है। इस प्रकार से उम्मीद जताया जा रहा है कि यहाँ पे हर साल बहुत बड़ा मेला होता है। आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पे लोग आ रहे थे, और यहाँ पे कुछ दिन पहले आदिवासियों का बहुत बड़ा जनसभा हुआ था, अब ये देख रहे हैं ये मौत का कुआं बनाया जा रहा है, जो कि इसमें बाइक ये होगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे क्या क्या लाया गया है। अगर आप 14, 15, 16 जनवरी को आना जा रहे हैं तो आप लोग आ सकते हैं, और आप
आपके और आपके पास वीडियो पहुंच गया है, तो आप इस वीडियो को अपना और भी शेयर कर सकते हैं, है ना। ये देखिए किस प्रकार से बाइक यहाँ खड़ा किया गया, ये बाइक चलेगा और इसको मौत का कुआं बोलते हैं जो बनाया जा रहा है, तो आधा बनाया गया है और इधर बाकी जगह लगा दिया है लगभग, और यहाँ बनेगा। और वो जो आप लोग देख रहे हैं, जो छोटा सा घर देख रहे हैं, वो माजी हाउस है। और यहाँ पर भी पूरा तैयारी चल रहा है, हो सकता है आज लोग दिन भर में तैयारी रात भर में कर देगा, और सब मैजिकल चेयर का जो होता है के लिए जो छोटा छोटा घोड़ा गाड़ी जो होता है वो यहाँ पर है, अभी नीचे रख दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। किस प्रकार से रखा गया देखो, तैयारी में है और इसका काम चल रहा है। आप लोग अगर वीडियो को देख लिए हैं तो शेयर कीजिए, काहे कि इसको शेयर करना बहुत जरूरी है। यहाँ किस प्रकार का मेला होता है पारसनाथ में, और ये मेला को आप लोग अगर इस साल आ पाएंगे तो जरूर आइए, अन्यथा अगले साल जरूर आएंगे आप लोग। कमेटी का ये बनाया गया है स्टॉल, जहाँ पे कमेटी के लोग रहेंगे, शायद ये लोग भी अपना
एरिया को पहले ही कवर कर रहे हैं ताकि दुकान मकर संक्रांति मेला समिति के मधुबन की ओर से किया जा रहा है। ये लगभग 100 साल पूर्व से लगता रहा है, लेकिन इसका जो विधि व्यवस्था हम लोग दिए हैं वो 2011 से एक समिति बना पारसनाथ मकर संक्रांति जिसका नाम है, और ये तब से मेला का विधिवत सारा व्यवस्था की है ताकि किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना ना हो और यहाँ के लोग मेला का आनंद उठा सके। आप लोग मेला की कमेटी? जी, ये जो मेला होता है कितने दिन का होता है? मेला यहाँ 3 दिवसीय लगता है, 14, 15, 16। आज उद्घाटन है समिति का ऑफिस का। इस प्रकार जो मेला होगा, मेला का खासियत क्या है? मेला का जैसे यहाँ का पूर्वज जब पहले बताए हैं कि यहाँ का जो पहला फसल होता है धान, उसको मकर के दिन पारसनाथ भगवान को चढ़ाने के लिए धान का बाली लेके चढ़ाने का ये यहाँ का प्रचलन है। और ये अभी जो मेला कितने संख्या में लगभग भीड़ होगा? भीड़ इस बार संख्या बढ़ने का चांस है, इसलिए कि उधर लॉकडाउन के कारण ज़्यादा नहीं आ पाए और लाखों में भीड़ रहती है, इस बार पार करेगी। मतलब हर एक साल लाखों में भीड़ रहती है? हाँ, लेकिन इस समय पार करने का उम्मीद है। और यहाँ हम ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी को आमंत्रित आप कीजिए। अभी हम लोग जिसको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए हैं वो हमारे यहाँ के गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू अभी आएंगे जब हम लोग का प्रोग्राम चालू होगा। अभी कुछ और मैं समिति की ओर से सभी को सूचित करता हूँ कि जितने भी हमारे झारखंड के भारत के जितने भी भाई बंधु हैं तमामों से हमारा यही अपील रहेगा कि आप लोग आएँ और मेला का आनंद उठाएं। इस बार और भी बेहतर तरीक़े से व्यवस्थित किया गया है और झूला उल्ला जितना भी लगता है, ड्रैगन है, मिक्की माउस है और मौत का कुआं भी है जिसमें पहले बहुत सारी कम व्यवस्था रहती थी, इस बार बहुत सारे चीज़ों को नया चीज़ को लाया गया है। आप लोग भूले नहीं और आने का पारसनाथ मकर संक्रांति मेला समिति मेला का लुत्फ उठाएं, आनंद उठाएं और शांतिपूर्ण वातावरण रहे इसका भी ख्याल रहे और हमें शांति व्यवस्था देने में आप लोगों से अपेक्षाएं हैं कि किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार का सांप्रदायिकता फैलाने का काम ना करें और शांतिपूर्ण रूप से अपना मेला का आनंद उठाएं और अपने गंतव्य की ओर जाएं। मेरा नाम गाजो महतो है, मैं समिति का कोषाध्यक्ष हूं और गांव बिरनगड्डा पंचायत मधुबन। बता रहे हैं पब्लिक एक्शन न्यूज़ में, जनता की आवाज़ में। पुनः आप सभी को न्यूज़ देखने के लिए जोहार, धन्यवाद।